मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सफराज और आप देख रहे हैं मदिंग टेक। दोस्तों आज की वीडियो में अपनी बाइक में पल्सर 180 के ये हैंडल ग्रिप इंस्टॉल करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं इसको ब्लैक करूंगा। ये सिल्वर ग्रे कलर में है, तो मैंने इसको इंस्टॉल करके अपनी बाइक में देखा था, तो मतलब मुझे कुछ जचा नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं इसको ब्लैक कर दूँ और ब्लैक करने के बाद अपनी बाइक में इंस्टॉल करूँ। तो इसको ब्लैक करने के लिए मैं ब्लैक स्प्रे का यूज करने वाला हूँ। ओके, मैं अभी आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा, तो चलिए दोस्तों मैं करके दिखाऊं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इसको ब्लैक करने के लिए मैं इस स्प्रे कैन का यूज करने वाला हूँ। पहले इंटरनल पोर्शन को करेंगे ताकि अगर हमसे कुछ कमी हो जाए तो कम से कम इसको अंदर से हम साफ कर सकें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों जब तक ये उस साइड से सूख रहा है तब तक हम इस पे इस तरफ से भी स्प्रे कर लेते हैं। स्प्रे करने से पहले अपने स्प्रे बोतल पर अच्छे से चेक कर लें। ओके, अब इसे भी थोड़ी देर हम सूखने दे देते हैं। चलिए अब हम इसको वापस फिर से एक बार पलट करके स्प्रे कर लेते हैं इस साइड। ये देखिए थोड़ा थोड़ा रह गया है। ओके, ये इस तरफ से, ये इस तरफ से। फाइनल कोट मार के इसको पूरा कर लेता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा चिपक गया था इसमें, इस वजह से ये इस तरह से हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस पर फिर से स्प्रे मार देंगे, ये बिल्कुल अपनी जगह पर परफेक्ट आ जाएगा। इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे स्टैंड लगा दिया ताकि ये अभी इधर उधर चिपके ना। तो चलिए अब हम इसको प्रॉपर सूखने के लिए दे देते हैं, और जब ये सूख जाएगा तब हम इसको अपनी बाइक में इंस्टॉल करेंगे। फाइनली दोस्तों मैंने इसको पेंट कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग। अब मैं इसके इस साइड पे ये पीयू फोम के दो छोटे छोटे पीसेस हैं जो मैं यहाँ पे इस तरह से चिपकाऊंगा, और इसको मैं क्यों चिपकाऊंगा इसका मैं आपको बाद में बेनिफिट दिखाऊंगा, अपने जब मैं इसको बाइक में इंस्टॉल करूंगा उस टाइम पे इसका मैं बेनिफिट आप लोगों को दिखा दूंगा। ओके, चलिए पहले मैं इसको चिपका लेता हूँ। चलिए मैं आप लोगों को ये इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी सीट को रिमूव कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने ये साइड पैनल यहाँ पर खोल दिया और मैं इसका सीट रिमूव करता हूँ। ये मैंने इसका सीट रिमूव कर लिया। इसके चारों बोल्ट खोल लेंगे हम। ओके, तो चलिए खोल लेते हैं। मैंने इन पर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दिया, वो इसलिए ताकि इन पर कभी जंग ना पकड़े। एक बारी इस पर जंग पकड़ चुका है, उसकी वजह से मेरा ये बोल्ट टूट गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हुई थी और इसीलिए मेरी वीडियो में लेट हुई है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ मैंने ये क्यों लगाया है। ये लगाने का बेनिफिट ये है कि ये जो हमारा ये जो फेयरिंग है ना, इस पर इसकी वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब ना ही कलर उतरेगा और ना ही ये कभी टूटेगा, ये इसको बचाए रखेगा, इसलिए मैंने इसको लगाया। चलिए मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ इसको। ये लेफ्ट साइड का है और ये राइट साइड का है। चलिए मैं इसके बोल्ट लगा देता हूँ। दोस्तों ये इंस्टॉल हो चुका है, अब मैं इस पे सीट लगा देता हूँ। तो
दोस्तों फाइनली गाड़ी का लुक आप देख सकते हैं बिल्कुल ही चेंज हो गया है, और इसको इंस्टॉल करने के बाद एक स्पोर्ट लुक मेरी बाइक को मिल गया है, और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस लुक को देख करके। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहले जब ये सिल्वर ग्रे कलर में था तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब बिल्कुल ऑड सा लग रहा था, लेकिन अभी बहुत ही अच्छा मेरे को लग रहा है। और ये आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप लोग मेरी वीडियो को देख पाए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर के, कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम।